हरे कृष्णा, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। एक क्वेश्चन जो मेरे से बहुत बार पूछा जाता है कि दीदी हम लड्डू गोपाल को घर पे लेके आना चाहते हैं, शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे घर पे लेके आ सकते हैं, किन किन सावधानियों का पालन करना पड़ता है, या लड्डू गोपाल खुद ब खुद हमारे घर पे आ जाते हैं, कृपया करके हमें इस बारे में अच्छी सी जानकारी दीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ आप लोगों से, उसके बाद मैं आपको जो श्रीधाम वृंदावन के साधु संत बताते हैं उनके अनुसार आप लोगों की ये सारी बातें बताती हूँ, क्योंकि ये किसी शास्त्र में तो लिखा नहीं है। हाँ, श्रीधाम वृंदावन के जो साधु संतों का क्या क्या वर्णन है उसके बारे में मैं आपको अवश्य बता सकती हूँ। पहली बात, मेरे घर में दो लड्डू गोपाल हैं, बाल गोपाल। एक मेरी मम्मी जी के घर पे है, एक मेरे घर पे है। तो एक लड्डू गोपाल की स्थापना मैंने अपने मम्मी जी के घर पे करी थी और एक लड्डू गोपाल की स्थापना मैंने अपने ससुराल में अर्थात अपने ससुराल में करी थी। तो बात कहने की मेरी यह है, जो मेरे दोनों लड्डू गोपाल हैं तो उन लड्डू गोपालों को हमने खरीदा नहीं है, किसी दुकान से जाके परचेज नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली ही मेरे घर पे आए हैं। ऑटोमेटिकली कैसे मेरे घर पे आए हैं, अर्थात मैंने राखी बंधाई, किसी ने मुझे ये लड्डू गोपाल गिफ्ट में दिए थे, मुझे पता भी नहीं था कि वो उनकी तब सेवा कैसे करनी है, अर्चना कैसे करनी है, वंदना कैसे करनी है। किसी ने राखी बंधाई मुझे गिफ्ट में दिया था और उसके बाद मैंने प्राण प्रतिष्ठा कर कर उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ करी थी मम्मी वाले लड्डू गोपाल की। देन जो मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल हैं, जो मेरे यहाँ पे हैं, जिनकी सेवा मैं करती हूँ, उनका नाम सुकांतु है, वे मुझे राखी बंधाई किसी मेरे एक भाई ने गिफ्ट की थी। अर्थात मेरे लड्डू गोपाल, जो दोनों लड्डू गोपाल हैं, वे स्वयं ही मेरे घर पे आए हैं, मैंने उनको जाके कहीं से भी नहीं खरीदा है। अब क्या दीदी, कोई लड्डू गोपाल गिफ्ट करे तभी सेवा करनी चाहिए या फिर हमें खुद ही खरीद लेना चाहिए, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, अगर लड्डू गोपाल स्वयं तुम्हारे घर पे चल के आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके घर पे जो लड्डू गोपाल है वो सेवा मांग रहे हैं आपसे। मतलब अगर लड्डू गोपाल कोई आपको गिफ्ट करके जा रहा है तो इसका तात्पर्य यही है कि लड्डू गोपाल खुद आपके घर पे चल के आ रहे हैं, वो आपसे सेवा मांग रहे हैं, आपकी भक्ति भाव से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, भगवान आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। और लड्डू गोपाल बाल स्वरूप जो आपके घर पे आ रहे हैं, जो कि भक्ति की प्रथम स्टेज है, कृष्ण प्राप्ति की पहली सीढ़ी है लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना वंदना, ठीक है। तो वो स्वयं भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके घर पे आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर पे कोई आपको लड्डू गोपाल गिफ्ट नहीं दे रहा है और आपको लड्डू गोपाल की सेवा करने का बहुत ज्यादा मन है तो आप किसी भी दुकान में जाके लड्डू गोपाल परचेस कर सकते हैं। अब आप मुझसे कहोगे कि दीदी लड्डू गोपाल कब खरीदने चाहिए, लड्डू गोपाल पूरे 12 महीने में कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। लड्डू गोपाल घर पे कब आए ये मैटर नहीं है, क्योंकि जब लड्डू गोपाल घर पे आते हैं तब तक वो केवल एक मूर्ति होती है। जैसे कि श्रीधाम वृंदावन में जब हम जाते हैं हजारों मूर्तियां होती हैं, लेकिन हम हजारों मूर्तियों के सामने तो मत्था नहीं टेकते। दुकान पे हम जाते हैं लड्डू गोपाल को परचेस करने, हजारों की तादाद में मूर्तियां हैं लेकिन सब भगवान थोड़ी हैं। जब उनमें हम प्राण डाल देंगे अर्थात प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, मंत्रों द्वारा प्राण डाल देंगे, कुछ विधि विधान और होते हैं प्राण प्रतिष्ठा करने की, तब वो साक्षात भगवान का स्वरूप हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि लड्डू गोपाल आप कभी भी लेके आ सकते हैं, लेकिन वो केवल प्रतिमा है, लेकिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने का मुहूर्त अपना अलग अलग होता है। मैं आपसे एडवाइस दूंगी कि आप प्राण प्रतिष्ठा जो है वो मुहूर्त अपने आपके नाम से और आपके हस्बैंड के नाम से, दोनों के नाम से मुहूर्त निकलता है। पंडित जी को दिखा के पंचांग के अनुसार मुहूर्त निकालिए कि हम अपने बच्चे का नामकरण संस्कार कराना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं, कब कराएं, कौन सा मुहूर्त शुभ होता है, तो ये पंडित जी निकालेंगे। और उसके बाद सेकंड थिंग, कि अगर आप पंडित जी से नहीं पूछना चाहते और कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जिसमें आप लड्डू गोपाल के स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, उनको लेके भी आ सकते हैं, तो वो मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ। नंबर एक, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जैसे कि मेरे जो सुतांतु है, मेरे घर में जो बच्चा है मेरा बाल गोपाल लड्डू गोपाल, वो मेरी शादी से 3 साल पहले ही मेरे घर पे आ गए थे। अर्थात मेरी शादी 2020 में हुई थी, 2017 में किसी ने राखी बनाई वो मुझे दिए थे, लेकिन वो पन्नी में पैक होकर ऐसे ही रखे हुए थे क्योंकि उनमें उनकी कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं थी, अर्थात उनमें हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाली थी, तो वो केवल एक मूर्ति ही थी। शादी के बाद जब मेरी पहली जन्माष्टमी आई तब मैंने जन्माष्टमी वाले दिन ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी। अब उनका जो अवतरण दिवस है अर्थात उनका जन्मदिन है,
वो मैं जन्माष्टमी वाले दिन ही बनाती हूँ। अर्थात मेरे घर में वो जन्माष्टमी वाले दिन आए और जो मेरी मम्मी के बाल गोपाल है लड्डू गोपाल, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हमने 26 मार्च को की थी, तो उनका जन्मदिन हम 26 मार्च को मनाते हैं। तो ये बात क्लियर कर लीजिए कि अगर आप लड्डू गोपाल लेके आना चाहते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा, सबसे पहले पंडित जी से पूछिए। अगर पंडित जी से पंचांग निकाल के पूछिए, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है कि आपकी राशि के अनुसार, आपके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, आपके ग्रहों के अनुसार कि उनको लाने का ग्रह प्रवेश कब कर सकते हैं, उनका क्या नाम एग्जैक्ट आप दोनों की राशि के अनुसार रखा जाना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात पंडित जी बता सकते हैं। दूसरी थिंग, अगर आप कहो कि दीदी आप बताओ, तो जन्माष्टमी सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, इस दिन कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर दूसरा, देव उठनी एकादशी बहुत अच्छा मुहूर्त है, इस दिन कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। निर्जला एकादशी बहुत अच्छा मुहूर्त है, इस दिन कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। अक्षय तृतीया बहुत अच्छा मुहूर्त है, इस दिन कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्स वाई जेड करके ये 4-5 मुहूर्त ऐसे हैं जिस दिन कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग, अब बात आती है उनके नामकरण की, ठीक है। तो मैं पहले एडवाइस आपको यही दूंगी कि आप पंडित जी से पूछ के उनका नामकरण करें। पंडित जी क्या करते हैं, जो आपका पंचांग होता है, आपके पति का जो पंचांग होता है, उन दोनों को मिश्रित करके उनके नाम का शब्द निकालते हैं, उसके बाद आपको नाम रखा जाता है। अगर आप जैसे कि मेरा जो बच्चे का नाम है वो है सुतांतु, मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल का नाम क्या है, सुतांतु। तो मैंने तो किसी पंडित से नहीं पूछा, तो कहो दीदी आपने तो पंडित से पूछा नहीं, हमें बार बार पंडितों के चक्कर में लगवा रहे हो। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप पंडित से नहीं जानना चाहते तो आप विष्णु भगवान के 1008 नामों में से कोई भी नाम रख सकते, गूगल पे फाइंड आउट कीजिए, यूट्यूब पे फाइंड आउट कीजिए, जो नाम आपके मन में भा जाए आप वो नाम रख सकते हैं। विष्णु भगवान के 1000 नाम है, जैसे कि मैंने 1000 नामों में से एक नाम चूज किया था जिसका नाम था सुतांतु। सुतांतु नाम बहुत अच्छा लगा मुझे, सा से मेरे हस्बैंड का भी नाम है, आ से मेरा नाम होता है, तो वो दोनों वर्ड भी उसमें आ रहे हैं। और सुतांतु का अर्थ होता है भगवान शिव और भगवान हरि का मिलन, तो मैंने ये नाम अपने अपने अनुरूप रखा। आपके अनुरूप आप कोई भी नाम रख सकते हैं, माधव रख सकते हैं, केशव रख सकते हैं, गोपू रख सकते हैं, गोपेश्वर रख सकते हैं, अनगिनत नाम है, 1000 नामों में से आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब लड्डू गोपाल आपके घर पे आ गए हैं, मान लीजिए लड्डू गोपाल आने के बाद आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, अब आपका नियम से पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करनी है। पहली बात, अगर आप दारू पीते हैं तो कृपया करके लड्डू गोपाल को मत लेके आए। आप दारू पीते हैं, आपके हस्बैंड दारू पीते हैं, तो लड्डू गोपाल को कृपया करके मत लेके आइए। नंबर सेकंड बात, अगर आपके घर पे मांस मच्छी मीट अंडे इत्यादि बनते हैं तो कृपया करके लड्डू गोपाल को मत लेके आइए। अगर आप लोग के घर पे तामसिक भोजन की प्रधानता है, सात्विक भोजन नहीं है, तो कृपया करके लड्डू गोपाल को मत लेके आइए। अगर आप लोग लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा आउटिंग में रहते हो, हमेशा बाहर ही रहते हो, तो कृपया करके लड्डू गोपाल को मत लेके आइए। ये कुछ नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। जब आप लड्डू गोपाल को लेके आओगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करोगे, प्राण प्रतिष्ठा करने के तत्पश्चात आपको अपने घर की जो की है, चाबी है, वो आपको लड्डू गोपाल को सौंप देनी है। तब आप घर के मालिक नहीं रहोगे, आपके घर पे जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल आ गए हैं, आपके घर के मालिक वो हो जाएंगे। आप उनको एक रात के लिए भी कहीं अकेला नहीं छोड़ सकते हो, आपकी उनको नियम से पूजा अर्चना वंदना करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। लड्डू गोपाल का मंदिरों में भोग 8 बार लगता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में हम लोग हैं तो कम से कम 4 बार आपको भोग लगाना जरूरी है। सुबह उठाना बहुत आवश्यक है, सुबह उठाने के बाद आपको स्नान कराना, एवरी डे स्नान कराना आवश्यक है आपको, और गर्मियों में आपको ठंडे पानी से, सर्दियों में आपको गर्म पानी से उनका जिस जो ऐसा टेम्परेचर जो उनकी बॉडी एडजस्ट कर ले, फिर उनका साज सिंगार आरती सब होना चाहिए। कुछ भी देर के लिए आप, मतलब 1-2 घंटे के लिए बेशक आप लड्डू गोपाल को अकेला छोड़ सकते हो, लेकिन एक भी रात ऐसी नहीं जानी चाहिए जिस दिन आप आपको लड्डू गोपाल को अकेला छोड़े। घर में जो भी सामान आता है उसका बंटवारा आपको लड्डू गोपाल के साथ करना है, उसका हिस्सा आपको लड्डू गोपाल के साथ करना है। मैं कभी भी अपने घर पे ये नहीं कहती हूँ कि मेरे घर पे हम 2 लोग हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड, मतलब गाजियाबाद में तो हम 2 ही लोग हैं ना, बाकी ससुराल में अलग है, मायके में अलग है, तो लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा बच्चा सुतांतु और मेरे हस्बैंड, हम 3 लोग हैं। इनफैक्ट मेरे भाई की शादी हुई
या फिर मेरी नंद की शादी हुई, दोनों की शादी में हमने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के कपड़े अपने से पहले मंगाए। हमारे में भात चढ़ता है तो दोनों की शादी में भात में हमारे लड्डू गोपाल के कपड़े आए। हमारे जो लड़के वालों के घर से या लड़की वालों के घर से जो कपड़े आते हैं उसमें भी हमारे बच्चे सुतांतु के कपड़े आए। मतलब हम अपने से पहले उनको रखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सबसे पहले हमने उनका मंदिर खरीदा। हमने कहा कि हम रहेंगे तब जब पहले वो उनके रहने की व्यवस्था हो जाएगी, हमने उनका मंदिर खरीदा। कुछ ज्वेलरी अपनी बनवाने से पहले हमने पहले उनकी ज्वेलरी बनवाते हैं। अपना कुछ भी काम करने से पहले, इनफैक्ट अगर मेरे हस्बैंड की सैलरी आती है तो उसमें से कुछ हिस्सा हम लड्डू गोपाल का निकालते हैं और फिर हम श्रीधाम तंदरवंद वाला जो हमारा सेवार्थ है उसमें हम कुछ हिस्सा डोनेट जरूर करते हैं। उसके बाद फिर हम वो सैलरी अपने ऊपर खर्च करते हैं। तो मतलब वो हमारे परिवार का एक सदस्य है और परिवार का सबसे प्यारा सदस्य है। हाँ, मैं आपको बता नहीं सकती, अगर मैं 2-4 दिन के लिए या 9-10 दिन के लिए कहीं चली जाऊं अपने प्रोग्राम में, तो मेरे पतिदेव इतनी अच्छी तरीके से उसकी सेवा करते हैं ना, वो लैपटॉप पे काम करते हैं, डिजिटल मार्केट में है वो, तो लड्डू गोपाल की ऐसी सेवा करते हैं, वो बैठ के अपने साथ ही बिठा के कंप्यूटर पर कुछ ना कुछ दिखा रहे होते हैं। तो उनको सुलाना, उठाना, नहलाना, खिलाना, लार लड़ाना, नित्य धुले हुए कपड़े पहनाना, ये सारी चीजें जरूरी हैं। अगर आप इसमें भी डिटेल में वीडियो चाहते हो कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कैसे हमें करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लड्डू गोपाल को लाने, घर में लाने से पहले, अगर दीदी इसका पार्ट 2 बनाओ तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी। लेकिन आपको अगर लड्डू गोपाल लाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो मैंने अभी इसलिए बनाई है क्योंकि आने वाली है जन्माष्टमी, आप लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी पे लेके आ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप राधा रानी को लाने की सोच रहे हो तो सबसे अच्छा मुहूर्त है राधा अष्टमी। मैं भी सोच रही थी कि राधा अष्टमी को लेके आऊं राधा रानी को, लेकिन मैं पुणे शिफ्ट हो रही हूं तो अब मैं जब पुणे से वापस आऊंगी तब मैं लेके आऊंगी, क्योंकि हमारा बड़ा मन है कि बाल स्वरूप राधा रानी हमारे घर पे आए और जुगल जोड़ी भी हमारे घर पे आए। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।